नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसके बारे में आप बचपन से सुनते आ रहे हो। गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ बगला मुखी की जय। साधकों, एक बार फिर आपके अपने चरण में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप अपने परिवार शायद कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सत्यता बताने जा रहा हूँ। और मानो या न मानो, ये आपकी बात है, राजी है। आजकल YouTube पर चैनल में देख रहा हूँ मैं साधकों के, बहुत से बाबा कढ़ाई बांधने का काम करते हैं, कढ़ाई बांध रहे हैं, कढ़ाई बांध के ऊपर से लोट बरसाते रहते हैं। दूसरे बाबा आसमान से नोट बरसा रहे हैं। ऐसे एक मैंने वीडियो आया था मेरे पास, ऐसे करके हाथ हिला रहा है वो बाबा, और वो नोट बरसा रहा है। मालूम पड़ा जब पुलिस ने पकड़ा तो उसी सारी चूतड़ों की खाल उधेड़ी। जब पता चला कि वो फर्जी पिकेशन था, पैसा ले गया, लोगों के ठगी का धंधा था। वो जो है सोना भी बना रहा था कि मिट्टी में से मिट्टी पकड़ो सोना बना देता हूँ मैं, ये कर रहा था। और भी ऐसे हैं जो सोना बनाना सिखाते हैं, और सोना बनाने की ये कहते हैं कि मैं सोना बनाना जानता हूँ, चांदी बनाना जानता हूँ। सोना बनाने के 5 लाख रुपए, सोना बनाने के 10 लाख रुपए, चांदी बनाने के 5 लाख रुपए मांगते हैं सिखाने के। तो मैं केवल साधकों से ये कहना चाहता हूँ, इन बाबाओं से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ जो आदमी जिस कर्म के लिए जन्म लिया वो वही कर्म करेगा, दूसरा कोई कर्म उस पर होने वाला नहीं है। ये लोग ठग और फ्रॉड हैं, और ठग और फ्रॉड ही करेंगे पूरे जीवन में, दूसरा कोई काम करने वाले ये लोग नहीं है। तो मैं तो केवल उन साधकों से कहना चाहता हूँ साधकों, कि आप इन लोगों की भोली भाली बातों में ना आए। और यदि बातें आप आना चाह रहे हो तो इनसे पहले कहो कि तुमने कितना सोना बनाया, ये पूछो कि तुमने सोना कितना बना लिया है। साधकों, मैं एक बात और आपको, और ये आप भी जानते हो कि पैसे की चमक आदमी के जूते पैसे दिखाई देती है, चेहरा से दिखाई देती है। तो तुम खुद समझदार हो, और तुम्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद इनकी शक्ल और इनकी सूरत देख के बात कर सकते हो, देख सकते हो कि इसने कितना सोना कितना चांदी बना ली होगी, और कितनी बड़ी कोठी बिल्डिंगें बना के रख ली होंगी इन लोगों ने, और कितने इन लोगों ने कढ़ाई के द्वारा नोट गिरा दिए होंगे, और कैसे नोट जमीन आसमान से बरसा दिए होंगे। ये सब तुम खुद जो है विश्लेषण करो इन चीज़ों का। मैं तो केवल यही कहूँगा कि ये कोई सब कुछ नहीं होने वाला है, ना कुछ होता है। अगर कोई कढ़ाई बांध के नोट बरसा सकता है, ये कढ़ाई वाले कहते हैं कि कोई कढ़ाई बांधो हम नोट बरसा देंगे, इनका मामला ये है। अब ये देखिए, कढ़ाई बांध लो नोट पर, जो आदमी नोट बरसा सकता है कि कढ़ाई बांधना नहीं सीख सकता कहीं आके, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो नोट जब बरसने वाले नहीं है तो वो जानते हैं, तो भला कढ़ाई बांधना सीखे क्यों। वो तो 10-50 हज़ार रुपये ठगी कर ली किसी से, और अपने आराम से घर बैठ गए, तुम क्या करोगे। ऐसे ही आसमान से नोट बरसाने वालों का मामला चल रहा है कि आसमान से नोट बरसाए जा रहे हैं। वीडियो में देखता हूँ, मेरे पास वीडियो आते हैं लल्ला के, जो नोट आते हैं ना, चूरन चूरन वाले नोट आते हैं, ऊपर से आसमान 2-2 हज़ार के 5-5 हज़ार के नोट टपकाए जा रहे हैं। वीडियो में क्या पता चल रहा है कि असली है कि नकली है, और फिर लोगों को ठग लिया जाता है, 50,00,000 ठग लिया जाता है। तीसरा, सोना बनाने वाले भी बाबा यहाँ बहुत बैठे हैं, सोना बनाना जान सिखा रहे हैं, चांदी बनाना सिखा रहे हैं, 10 लाख और 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। वो तुम लोग इन लोगों से जो फ़ोन करके पूछो कि भैया तुमने कितने सोना बनाया है अब तक, कितना चांदी बनाया है, और अपने घर की जरा फोटो भेजो मुझे कि तुम्हारे घर में घर कितनी। जो सोना बनाने वाला है भैया, वो तो एक उसकी तो 4 मंजिल की 5 मंजिल की कोठी खड़ी होगी, बहुत अच्छी, नीचे गाड़ी होगी 4 पहिए की, 20-25 लाख की, क्यों बताओ, 1-2 किलो रोज़ सोना बना लेगा, रोज़ चांदी बना लेगा, तो उस पर पैसे की तो कोई कमी है नहीं। तो ऐसे लोगों से पहले पूछो, और फिर उनसे कहो कि जरा अपने घर के फ़ोटो भेजो ना, अपना पूरा फ़ोटो भेजो, देखे तो सही तुम कितना सोना चांदी बनाना जानते हो, और कितना नोट बरसाना जानते हो, तब इनसे बात करो। मैं साधकों को जानता हूँ इस बात को, कि हमारे पूर्वज सोना बनाना जानते थे, आज से 300 वर्ष तक
और कुछ हमारा देश आज़ाद हुआ था जब तक सोना बनाने की विधि लोगों को पता थी, लेकिन वो विधि अपने साथ लेके मर गए। अब यूँ तो पुस्तकों में, आयुर्वेद की पुस्तकों में, रस रसायन में, रसायन विज्ञान में बहुत सी विधियाँ लिखी हैं कि इस तरह से सोना बना लो, इस तरह से सोना बन जाता है, इस तरह से सोना बन जाता है, लेकिन सेटिस्फाई कैसे करें कैसे सोना बन जाता है। एक विधि साधकों मैंने भी आजमाई थी तो सोना बनाने के लिए ऊपर का जो लेयर था वो गोल्ड हो गया था, लेकिन नीचे का धातु यथास्थिति में बनी रही। इसका मतलब इतनी पावर नहीं थी कि वो जो है अंदर तक उसके परमाणुओं को चेंज कर देती, सोने में बदल देती। एक बिदारी कंद नाम से एक जड़ आती है, अगर वो जड़ मिल जाती है साधक को तो सोना बनाना संभव है। और यदि किसी के पास बिदारी कंद है तो उसको किसी को 10 लाख या 5 लाख देने की जरूरत नहीं है, मात्र 20 और 25 हज़ार रुपये के मटेरियल में सोना बन सकता है यदि बिदारी कंद मिल जाता है तब। और बिदारी कंद नहीं मिलता है साधक को तो नहीं बनेगा, क्योंकि बिदारी कंद डालने से उसकी रासायनिक क्रिया में यदि बिदारी कंद डाल दिया जाए तो बिदारी कंद एक उत्प्रेरक का काम करता है। तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि साधकों, यदि किसी भी साधक को वीडियो सोना बनाने की आवश्यकता है और चांदी बनाने के लिए ढाके सफेद फूलों की आवश्यकता पड़ती है, यदि किसी के पास ढाके सफेद फूल हैं या किसी के पास बेदारी कंद है तो वो सोना बना सकता है, ढाके सफेद फूल हैं तो वो चांदी बना सकता है। इसमें भी 100% कोई गारंटी नहीं है कि एक बार में ही क्लियंस हो जाए कि दो बार में भी क्लियंस बन के खड़ा हो जाए, क्योंकि ये तो एक प्रयोग है, कहीं कमी हो जाती है, थोड़ी सी भी अशुद्धता आ जाती है किसी भी धातु में, वही नहीं बनेगा, वही खराब हो जाएगा, ज़्यादा आग लग जाती है तो जल जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये प्रयोग है साधकों। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी को 10 लाख 5 लाख देने की आवश्यकता नहीं है, यदि किसी साधक के पास बेदारी कंद है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है और मेरे पास आ सकता है, वो मात्र 15-20-25 हज़ार का, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, कोई दान तचना नहीं चाहिए मुझे उससे, बस कुछ थोड़े से इंस्ट्रूमेंट उपकरण और धातुओं की आवश्यकता पड़ती है जो शुद्ध रूप से मिल जाए तो वो संभव हो सकता है सोना बनाना। लेकिन ये लोग जो बैठे अपने वीडियो चैनल पर बना रहे हैं ना कि सोना बनाना सीख लो, चांदी बनाना सीख लो, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर ऐसे ही सोना और चांदी बना लेते तो उनके घर 4 मंजिल के खड़े होते, 4 पहिए की गाड़ी में खड़े होते। अब मेरी इन बातों से कुछ लोगों को जरा बुरा, बहुत ही बुरा लगेगा, मुझे गालियां देंगे ये बाबा, लेकिन साधकों सत्य तो सत्य है, सत्य कहने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जो असत्य और अन्याय का साथ देता है वो भी पापी ही होता है। तो साधकों, ये 9 मिनट के वीडियो में मैंने आपसे जो भी अपनी पेट की बातें बता दी हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इन लोगों के पास नोट बनवाने जाते हो कि नहीं जाते हो, कढ़ाई बनवाते हो कि नहीं बनवाते हो, ये तुम्हारी इच्छा है, आप कुछ भी करें, मैं किसी को रोकने वाला कौन होता हूँ। मैंने तो अपने साधकों से कहा है, जो मेरे साधक मुझे बार बार फ़ोन करते हैं, जो मुझे जानते हैं, उन लोगों के लिए ये मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है कुछ भी करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और मेरे फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों पेजों पर भी सभी समस्याओं से जुड़े समाधान आपको देखने को मिलेंगे, तो इन दोनों पेजों को फॉलो कीजिए। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में मैं ऐसी कोई भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार मैं फिर जल्दी से एक नई साधना के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।